दोस्तों, सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, और वो खुद गिरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि कैसे हार के डर से प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए समुदायों में, जातियों में जहर घोल के वोट हासिल कर रहे थे, मांग रहे थे, नहीं मिले। वो अलग बात है, आज मिलीजुली सरकार एक बैलगाड़ी की तरह समझौते कर करके चला रहे हैं। अब झारखंड और महाराष्ट्र में वही स्थिति, आपने आपको याद होगा, मैं फिर याद दिला दूं, लोकसभा के वक्त इंडिया वाले भैंस खोल के ले जाएंगे, इंडिया वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, इंडिया वाले ये कर देंगे, इंडिया वाले वो कर देंगे, मीट मछली मुसलमान मंगलसूत्र सब हथकंडे अपना लिए, फिर भी ढाक के वही तीन पात आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में स्थिति इनकी और बुरी है, इन्हें मालूम है कि वो हार रहे हैं। तो अब भाषा का स्तर देखिए, अब कहते हैं इंडिया गठबंधन घुसपैठियों की सरकार है, आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे। सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं केंद्र में, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपके अंडर है, तो इंडिया गठबंधन कैसे घुसपैठियों को ला रहा है, जरा ये समझा दीजिए। इतनी कमजोर व्यवस्था है सीमाओं पर, ये सर्टिफिकेट आप किसको दे रहे हो? बीएसएफ को दे रहे हो? किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को दे रहे हो? राजनाथ सिंह जी को दे रहे हो? दे किसको रहे हो? अपनी खुद की विदेश नीति को कोस रहे हो? आपका अमित शाह से क्या झगड़ा है क्या नहीं, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कहना बेटी को और सुनाना बहू को, इससे तो बाज आइए। आप कहे हमें रहे हैं, सुना तो अमित शाह को रहे हैं। इस तरह से यूं सार्वजनिक तौर पे अपने ही गृह मंत्री को अपमानित मत कीजिए, और भाषा का स्तर सुधारिए। ये जो डायलॉग है आपके, ये प्रधानमंत्री के स्तर को शोभा नहीं देते। ये डायलॉग, ये स्क्रिप्ट, ये भाषा शैली एक सी ग्रेड की हिंदी फिल्म के बहुत ही सस्ते विलेन के डायलॉग्स होते हैं, या आपके स्तर पे शोभा नहीं देते। अरब आपके कितने दिन आप प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये तो बैसाखियों की सरकार है। जब तक आप हैं, आपका सम्मान व्यक्तिगत तौर पे अब खत्म होता जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप महसूस भी कर रहे हैं। अपनी कुर्सी का सम्मान यूं मत गवाइए, ये आपसे गुजारिश है, ये आपसे अनुरोध है। इकबाल खत्म हो चुका है आपका, रुतबा आपका अपनी पार्टी के भीतर खत्म हो चुका है, रुतबा आपका नागपुर में खत्म हो चुका है, रुतबा आपका इस देश के गली गलियारों में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में खत्म हो चुका है। आपके रुतबे से हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी मर्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी महीने अब आपके कार्यकाल के बचे हैं, कम से कम इस मर्यादा को ध्यान में रखिए और इसको मत नुकसान पहुंचाइए। जय हिंद।